है ये। ये आउटपुट में कभी मॉस्फेट स्टार्ट होता है तो आईसी को बचाने के लिए ये जिनर लगा है। जैसे ही वहां पे वोल्टेज ओवर होंगे ये इसके साथ में ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड होने की वजह से फ्यूज वगैरह जल जाएगा लेकिन ये आईसी बच जाएगा। अभी इस पे आपका VCC आ जाएगा 15 वोल्ट। सात नंबर पे बस इतना सा इसका सर्किट है। लगभग लगभग सभी में जो है सेम है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कहीं पर, बाकी सब में सेम है जितना भी अभी ये आपके चार्जर में आएगा। अभी अगर ये एसी वाले में काम कर रहा होगा तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो करंट सेंस वाला है ये किलो में चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये 100 किलो में जाता है या फिर आपका 47 किलो का हो जाएगा या 39 किलो का हो जाएगा। ये करंट सेंस वाला जो होगा ये चेंज हो जाएगा जब ये एसी में काम करेगा, एसी लाइन वाले में। ये तो हो गया 48 वोल्ट पे काम कर रहा है ये, है ना। ये अभी 48 पे काम कर रहा है। अगर ये अपना इलेक्ट्रिक बाइक का होगा चार्जर तो वहां पे जो करंट सेंस का ये 330 वाला लगा है तो वहां पे फिर ये किलो में पहुंच जाएगा। ये तो अलग अलग चार्जर में अलग अलग आपको ये मिलेगा, जरूरी नहीं कि जो हम यहाँ बताए वही मिल जाए। किसी में 39 का हो सकता है, किसी में 47 का हो सकता है या किसी में 56 भी हो सकता है। ये अलग अलग डिपेंड करता है क्योंकि मॉस्फेट कौन सा लगा हुआ है। उसके अनुसार यहाँ पे ये करंट सेंस करेगा, बाकी और सारा कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे नहीं बदलेगा। और कुछ जो 15 वोल्ट का जिनर है सर ये वाला, अगर इस ये हमारा खराब हो गया था एक, मेरे उसमें मैं 18 वोल्ट का लगाया सर। नहीं तो 18 वोल्ट लगा देंगे तो फिर ये क्या होगा कि आईसी के अंदर से कितना निकले, मान लो ये 15 वोल्ट यहाँ से 15 का आधा जाएगा यहाँ पे, मान लो 12 वोल्ट जा रहा है तो यहाँ पे 6 वोल्ट निकल रहे हैं ना, तो 6 से 2 गुना तो ये ऑलरेडी लगा है। अगर इससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो उधर से वोल्टेज मॉस्फेट अगर खराब हुआ तो स्टार्ट हुआ गेट के साथ में अगर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उधर से या पावर ज्यादा आ जाएगी इसके अंदर तो यह आईसी भी खराब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए जो है ये 15 वोल्ट अधिकतम लगाया गया है। आप चाहे तो इससे कम का लगा लें, यहाँ पे 12 वोल्ट का लगा दें और बेटर रहेगा। 15 वोल्ट का है तो आप 12 वोल्ट लगा लें और बेटर रहेगा। जैसे उधर से 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज इधर की वापस आएगा तो ये स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करेगा तो ये बच जाएगा आईसी आपका, मतलब 12 इसके लिए केवल लगा। हाँ 15 से कम लगाएंगे तो ये और जो है सेफ हो जाएगा। तो मिला कहने का मतलब, बाकी इसका अगर नहीं भी लगाएंगे तो कुछ इससे होने वाला नहीं है, इसको ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये काम करता रहेगा। वो केवल इसके सपोर्ट के लिए लगा है कि कभी मान लो मॉस्फेट जैसे ये डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ 48 वोल्ट आ रहा है, ये 48 वोल्ट अगर गेट के साथ स्टार्ट हो गया तो गेट पर भी 48 वोल्ट आ गया तो यहाँ से ये आईसी के अंदर चला जाएगा। तो इसके आउटपुट में अगर ये मान लो 15 वोल्ट से ऊपर वापस आ जाएंगे तो क्या होगा, ये आईसी खराब हो जाएगा, है ना। तो आईसी को बचाने के लिए यहाँ पे जीनर लगा है, आप चाहें तो यहाँ 12 वोल्ट का जीनर वो लगा दे और बेटर रहेगा। सर यहाँ पे जो 7 नंबर पे वोल्टेज आएगी 48 वोल्ट जो आएगी कितने रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंस आएगी रेजिस्टेंस यहाँ पे? हाँ जी, हाँ यहाँ पे 1 किलो का रेजिस्टेंस है। तो 1 के 1 ना। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे अगर एसी अगर एसी से आएगी तो कितने 100 क्या होगा? हाँ हाँ बढ़ जाएगा यहाँ पे। अभी हम जब ई बाइक वाला बताएंगे तो वहां पे बता देंगे, ठीक है। इसका जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो 220 पहुंच जाएगा, 220 से इसको जो है 7 वोल्ट पहुंचाने हैं ना, तो वहां पे वोल्ट का जो है वैल्यू बढ़ जाएगा। अभी 1K का ये 2 वाट वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे लगकर 7 नंबर के साथ में है, और इसी के साथ में जैसे ही अपना ये ऑन होता है आईसी, फिर ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट का
एक डायोड के थ्रू यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा 12 वोल्ट वाला, ठीक। यहीं पे पहले तो इस रेजिस्टेंस से रहेगा, उसके बाद जो है ये डायोड के थ्रू आ जाएगा, ट्रांसफार्मर के साथ में काम करेगा। ये सर 1K का कहाँ से आएगा, डायरेक्ट बैटरी से आएगा? ये 48 वोल्ट जो है बैटरी से आ रहा है आपका, जो पॉजिटिव वाला लाइन है प्लस 48 वोल्ट यहाँ से आता है यहाँ। फिर ये देखेंगे तो यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है। पहले तो ये मान लो यहाँ पॉजिटिव वाला लाइन है, इसके बाद इस पे एक डायोड लगा है, ठीक है। ये 4007 भी हो सकता है और असेंबली में M7 भी हो सकता है, अगर असेंबली होगा तो, ठीक है। बाकी ये रजिस्टर्स में लगा, यहाँ 1 किलो का रजिस्टर 2 वाट वाला, फिर चला जाएगा अपने 7 नंबर पे। यहीं पे एक डायोड लगा हुआ है जो कि आपके आएगा ट्रांसफार्मर जो छोटा सा लगा है, जहाँ पे ये काम करा रहा है, जिसको ऑन करा रहा है, वहाँ पे ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से ले लेगा। शुरू में ऑन होने के लिए ये यहाँ से सप्लाई लेगा, लेकिन जैसे ही ये ऑन हो जाएगा वैसे यहाँ से सप्लाई इसको मिलने लगेगी। वैसे ही इसमें जब, हाँ बोलिए सर, ये अगर फीडबैक वाली वोल्टेज अगर ना आए, हाँ, तो ऐसी चलेगी नहीं ना इसका? नहीं नहीं नहीं, इसका यहाँ आना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसको ये पता चलेगा कि जहाँ पे 15 वोल्ट मतलब आउट हो रहा है वो सही वोल्टेज आउट हो रहे हैं कि नहीं। ये जहाँ पे 12 वोल्ट आउट हो रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट सही आउट हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट से कम ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, सेंस करके इसकी यहाँ से आउट जो हो रहा है फ्रिक्वेंसी का सिग्नल की स्पीड को कम ज्यादा कर देगा यहाँ से। जैसे मतलब 15 वोल्ट यहाँ से आउट अगर नहीं हो रहा है, 14 वोल्ट आउट हो रहा है, तो ये इसके अंदर अपना बहुत सारा कुछ लगा हुआ है, वो अपना काम करके इसका स्पीड को घटा बढ़ा लेता है। जैसे यहाँ पे मान लो फैन लग गया, ठीक है, ये फैन लगा। अब फैन जब ऑन होगा तो क्या यहाँ वोल्टेज थोड़ा सा ड्राप जाएगा ना, ड्राप करेगा क्योंकि वो लोड लेगा फैन। तो ये ड्राप हुआ तो इसको सेंस करके इसने बताया आईसी को, आईसी ने इसका जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया, स्पीड बढ़ा दिया तो ये फिर से 12 वोल्ट पहुंच जाएगा। ये काम करने के लिए ये वोल्टेज फीडबैक यहाँ पे होना जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये करेंट सेंस जो होता है, करेंट सेंस इसलिए होता है कि इसको ये पता चलता है कि ये लोड ले रहा है मॉस्फेट या नहीं ले रहा है। जब तक मॉस्फेट लगा नहीं होगा तब तक ये आईसी वर्क नहीं करेगा, और आईसी को ऐसे आप चेक भी नहीं कर पाएंगे कि ये काम कर रहा है अभी कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आपको मिल पाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए जो है इसको करेंट सेंस जरूरी है। इसके बाद आईसी को सही तरीके से काम करने के लिए ये जो फीडबैक आता है ये भी देना जरूरी है। अगर ये नहीं देंगे तो भी इसको पता नहीं चले। अभी जरूरी नहीं है ये 12 वोल्ट वाला दें, केवल एक ही अगर सेंस करा देंगे, केवल 15 वोल्ट वाला या केवल 12 वोल्ट वाला तो भी ये काम करेगा, लेकिन दो यूज करा इसमें कराए इसलिए ये मान लो ये इधर से कुछ कमी होता है तो इधर वाले से ये सेंस कर लेगा आउटपुट को, अगर उधर कमी होता है तो ये यहाँ से सेंस कर लेगा।